धर्म का मूल कारण है वेद विज्ञान। कारण वो समझ गए ना, तो धर्म है वो वेद ज्ञान से ही प्रकट हो सकता है, वो मूल कारण है। और वेद ज्ञान करता नहीं, हेलमेन ये जीव माने हम वेद ज्ञान करते नहीं। अब वेद ज्ञान करते नहीं तो धर्म होता नहीं, माने आत्मा का सुख मिलता नहीं, निराकुलता मिलती नहीं, सम्यक दर्शन होता नहीं। तो ये जीव क्या सोचता है कि धर्म बहुत मुश्किल है, हल में है ना, धर्म बहुत कठिन है। धर्म कठिन नहीं है, धर्म जब हम करते ही नहीं, धर्म के नाम पर कुछ और करते रहते हैं तो धर्म कैसे हो जाए। आप जो धर्म का असली कारण है वो करो, और फिर धर्म नहीं हो तो बताना। अब तुम गिरनार जी का पहाड़ चढ़ते हो, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ते हो और उपवास करते हो, मंदिर आते हो, पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, व्रत उपवास करते हो, फिर कहते हो कि साहब धर्म तो होता नहीं, आत्मानुभव तो होता नहीं, हम प्रयास तो बहुत करते हैं। लेकिन आप प्रयास किसे कह रहे हो, आप प्रयास किसे समझ रहे हो, पहले ये तो बताओ कि साहब हम रोज मंदिर में तो लगे रहते हैं, हम पूजा पाठ में लगे रहते हैं, हम इतना दान देते हैं, हम महाराजों की सेवा करते हैं, हम रोज स्वाध्याय सुनते हैं। अरे तो भैया ये तो धर्म का कारण ही नहीं है, ये सारे कारण तो बहुत बाहर के हैं। स्वाध्याय में क्यों बैठते हो पता है आपको, स्वाध्याय में इसलिए बैठते हैं कि धर्म कैसे हो ये समझने के लिए बैठे हैं। धर्म थोड़े ही है, अंतर समझ में आया कि नहीं आया। स्वाध्याय अपने आप में कोई धर्म नहीं है, कोई रोज स्वाध्याय में बैठता है, सुबह शाम प्रवचन सुनता है इसलिए धर्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। सुबह शाम प्रवचन में बैठकर ये समझना है कि धर्म किसमें है, किसके माध्यम से होगा। स्वाध्याय अपने आप में कोई धर्म नहीं है, ख्याल में है कि नहीं आया। अब लोग स्वाध्याय कर रहे, ऐसे ही पूजा पाठ प्रक्षाल अपने आप में कोई धर्म नहीं है, तो साहब पूजा पाठ प्रक्षाल क्यों करना, कि वो धर्म की महिमा आई, आत्मा की महिमा आई तो वो पूजा प्रक्षाल भक्ति इत्यादि उपवास आदि वो इसलिए हुए कि वे सहायक हैं उस धर्म की आराधना करने में। सहायक कैसे हैं कि तुम मंदिर में आए, जिन्हें भगवान के सामने खड़े हो गए, तुम्हारे भावों की मंदता हुई, कसाय मंद हुई, और तुम वेद ज्ञान करना जानते हो तो वहाँ वेद ज्ञान विशेष कर सकते हो। अब पूजा में आए और वेद ज्ञान नहीं किया तो तुमने पूजा का फल फायदा ही नहीं उठाया। पूजा का फायदा ये है, भक्ति का फायदा है। कोई पूजे पूजा पाठ भक्ति करना कि नहीं करना, पूजा पाठ भक्ति में अगर तुम वेद ज्ञान करते हो तो पूजा पाठ भक्ति तुम्हारी बिल्कुल फलदायी हो रही है, और तुम खाली परंपरा से पद्धति बुद्धि से करने के लिए करते हो तो तुम्हें पूजा पाठ करने का कोई फल मिले ही नहीं रहा। क्योंकि पूजा पाठ भक्ति इत्यादि जो लोगों को लगता है पुण्यबंध के कारण है, जैन धर्म में पुण्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, क्योंकि जैन धर्म ये कहता है कि पुण्य तो बनना ही बनना है, आपकी कसाय मंद होगी पुण्य बन जाएगा, पुण्य की कोई ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एक हिंदू मंदिर गया, कसाय मंद हुई पुण्य बन गया, एक मुसलमान मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, कसाय मंद हुई पुण्य बन गया। पुण्य ये नहीं देखता कि तुमने किसके माध्यम से कसाय मंद करी, पुण्य तो ये देखता है कसाय मंद हो गई मैं बन जाऊँगा, अंतर समझ में। इसलिए अजैन भी स्वर्ग जाते हैं कि नहीं जाते, अजैनों के पास भी पैसा आता है कि नहीं आता, बड़े बड़े मुसलमान अरबपति खरबपति हैं कि नहीं हैं, बड़े 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 मुसलमान एक से हिंदू एक से पैसे वाले हैं कि नहीं, गीत मिथ्या दृष्टि महापैसे वाले हैं कि नहीं हैं, महागीत मिथ्या दृष्टि प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं। तो इसका मतलब इनका पुण्य तो है, पुण्य नहीं है ऐसा तो नहीं है। तो जैन धर्म ये कहता है कि पुण्य कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसके पीछे पूजा पाठ किया जाए, जैन धर्म में जिसके लिए पहाड़ चढ़ा जाए तो फिर जैन धर्म पुण्य क्या। वो तो कहता है पुण्य तो इतनी सरल चीज़ है कि रास्ते में गए एक भिखारी को देखा, करुण आ गई, पुण्य बन गया। नहीं समझ में आया,
आहा, जय हो भगवान, पुण्य बन गया। पुण्य बंधना तो बहुत सरल है, तुम नहीं भी मानोगे जैन धर्म तो भी पुण्य बंधेगा। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें जैन धर्म मिला है पुण्य पाप नाश करने के लिए, तुम्हें जैन धर्म पुण्य बांधने के लिए नहीं मिला। जैन धर्म की मूल विशेषता है जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। पुण्य पाप नहीं कीना, जैन धर्म में पुण्य और पाप करो ये शिक्षा नहीं है। जैन धर्म तो कहता है कि पुण्य पाप का नाश करो, ये शिक्षा है। ऐसा ये क्या मतलब हुई कि पुण्य पाप का नाश क्यों करना है? कि पुण्य पाप का नाश नहीं करोगे तो तीन काल में जन्म मरण का नाश नहीं होगा।